प्रधानमंत्री मोदी को भारत के युवाओं ने बड़ी संख्या में नापसंद कर दिया है। इस बात का सबूत मिल गया है कि मन की बात की जो वोटिंग हुई है वो भारत के बेरोजगार युवाओं ने ही की है। तुमको पता है रब को मेहनत में अकेले कमी नहीं, और एसएससी वाले एग्जाम नहीं लेते इसलिए नौकरी हमें होती नहीं। विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंतित टीचर्स का ये गुस्सा इस बात का सबूत है कि रिया और सुशांत को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश असफल हो गई है। महीनों चले टीवी के टीआरपी शो फ्लॉप शो साबित हो चुके हैं। पूरे 2400 घंटे एक ही मुद्दे को चलाते रहते हो। मैं आप लोगों से आपसे पूछता हूँ, क्या इससे युवाओं का पेट भरेगा? बिहार से आया ये वीडियो ये उम्मीद जगाता है कि टीवी के नशे से युवा अब बाहर आ गया है। फेसबुक पर फूटा टीचर्स का ये गुस्सा साबित करता है कि ताली थाली दिया मोर बतख सब आर्टिफिशियल लहर है। आपको पता है देश में क्या चल रहा है, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है आपको आंखों के नजरों से सामने से दिख रहा है। कौन करेगा इनके मुद्दे की बात? मैं पूछता हूं, बताइए मुझे कौन करेगा? मजाक बनाकर रख दिया है लोगों ने देश में। फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरते हैं आप, फॉर्म भरने के बाद उम्मीद करते हैं, कोचिंग जाते हैं, क्लास करते हैं, मेरे क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं आप? बिहार का नहीं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, किस लिए बच्चा पढ़ता है? कोई कारण होगा ना पढ़ने का? क्या अंबानी अडानी के बड़े खानदान के लोग के बच्चे पढ़ते हैं? क्या नहीं पढ़ते? गरीब मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा नौकरी की तैयारी करता है? क्या अडानी अंबानी के परिवार के बड़े बड़े लोगों के परिवार के लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं बड़े बड़े लोगों के परिवार। शब्द के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बड़े बड़े लोगों के परिवार के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं। ये रिक्शा वाला, ये ठेला वाला का बच्चा पढ़ता है, ये एक मध्यम वर्ग के परिवार का नौकर पढ़ता है, सिपाही का कांस्टेबल का बच्चा नौकरी की तैयारी करता है। मजाक बनाकर रख दिया है जीवन के साथ। फॉर्म निकालते हो, भर दो, बच्चा बड़ा खुश होता है। देखते हो कभी जब फॉर्म निकलता है माता पिता खुशियों से भर जाते हैं। बच्चा पढ़ने में दुगनी एनर्जी के साथ पढ़ाई करता है। हो क्या रहा है देश में? फॉर्म निकाल दो, फॉर्म भरवा दो और उसके बाद बच्चा इंतजार करता रहे, क्या मजाक है ये? फॉर्म निकाल दिया, बच्चा खुश होकर भर दिया, बच्चा के पिताजी ने 4-5-10 हजार रुपए कोचिंग में एडमिशन करा दिया, बच्चा हमारे यहां आया, हमने जी तोड़ मेहनत करा के उसको पढ़ा दिया, और पढ़ाने के बाद क्या क्या चाहिए बच्चा को, बताओ मुझे। मेरा ये सवाल सबसे है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो बिहार सरकार का कोई एग्जाम हुआ हो, चाहे वो यूपी का किसी का भी परीक्षा हुआ हो, वैसी सभी परीक्षाओं के लिए सवाल है, वैसे सभी चेयरमैन से ये सवाल है कि क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है? एक गरीब घर का बच्चा जिस नौकरी के लिए 3 साल 4 साल 5 साल पटना दिल्ली इलाहाबाद छोटे छोटे गांव में बैठकर पढ़ता है, उसके बारे में कभी सोचा है आपने? कितनी मुश्किल से वो बच्चा तैयारी करता है, क्या क्या जतन चाहता है, इतने छोटे छोटे कमरों में रहता है, मजबूरियों में व्यवस्था के साथ जिंदगी गुजारता है, किस लिए गुजारता है वो बच्चा? सोचना तकलीफ हो रही, रात की नींद गायब हो जाएगी अगर सोचोगे तो। फॉर्म भरवा लिया, पैसा आ गया, हो गया। फॉर्म भरवाने से पहले नहीं सोचा क्या कि इतने बच्चे अप्लाई करेंगे, भारत में बेरोजगारी का दर क्या है? कौन सोचेगा बताओ मुझे, कौन सोचेगा? भारत जैसे देश में, भारत कितनी बड़ी और कितनी बेहतरीन भूमि है, दुनिया हमें मानती है, दुनिया वाले कहते हैं कि ये भारत का आदमी है, पढ़ा लिखा संप्रभु देश, एक ऐसा विरासत है हमारे देश में, एक ऐसी संस्कृति है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, क्या इसके लिए हम बदनाम होंगे? क्या हमारे बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं? क्या वो खुशी से कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा उनसे जो चेयरमैन है बोर्ड के, कि बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझिए। आप भी किसी बच्चे के बाप है, आप भी किसी बच्चा, आपका भी बच्चा है, ये पूरा भारत का बच्चा। चेयरमैन सुन ले, एसएससी वाले चेयरमैन,
सुन ले आईबीपीएस के चेयरमैन, सुन ले रेलवे बोर्ड वाले, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, न्याय करो इन बच्चों के साथ। कितने लोग आज उम्मीद लगा के बैठे हैं, कभी भी भारत के बच्चों ने ऐसा नहीं किया है, यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। मैं 3 दिन से कुंठा में जी रहा था, मैंने सोचा अब कुछ होगा, नहीं हुआ कुछ। मैंने सोचा ये शनिवार है ऑफिस बंद होगा, ये रविवार है एसएससी का ऑफिस बंद होगा, आज सोमवार, आज मंगलवार हो गया, नहीं हुआ। कौन सुनेगा इनकी जवाब, तो मुझे कौन सुनेगा एसएससी वालों जवाब, तो मुझे मेरे इन भाइयों की, मेरे इन बहनों की कौन सुनेगा। रेलवे वालों, एक गांव का गरीब का किसान का बच्चा जो खेत में हल जोतता है, वो भी सोचता है कि इस बार रेलवे आया है, इस बार ग्रुप डी में नौकरी हो जाएगा, ग्रुप डी के लिए वो दिन रात पढ़ता है, तरह तरह की क्लास करता है। ये बिहार की धरती है, इस बिहार की धरती से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आप सबसे, बच्चों के हित में सोचते। मैं समझता हूं कि ये कोरोना काल है। हैशटैग इनकलाब, आज का जो समय है वो इनकलाब का है। देश के जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं एक खास अपील करूंगा कि आज अपनी आवाज आप इतनी बुलंद करें कि वो सरकार की गद्दी हिला दे, वो सरकार को ये सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या वो जो आज देश के युवाओं के साथ कर रही है, क्या वो सही है क्या। आज अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके युवाओं का पक्ष नहीं रखेंगे तो शायद ये सरकार आज भी हमारी मजबूरियों और आज भी इस देश की कमियों और इस देश के युवाओं पे हो रहे अत्याचार को जाने देगी, उसकी परवाह नहीं करेगी। हो क्या रहा इस देश में, हो क्या रहा है देश के युवाओं के साथ, आर वी रियली एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं हम लोग, शोषण हो रहा है हम युवाओं का, यही एक सच्चाई है। मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, आपने सुना होगा कि जब हिटलर का शासन था तो उसने कहा था कि देश की जनता को इतना मजबूर कर दो उसे कि वो जिंदा रहने को ही असली जिंदगी समझ बैठे, उसे यह लगे कि अगर मैं जिंदा हूं तो यही सबसे बड़ा काम है, यही सब कुछ है, कुछ और चीज की डिमांड करना, रोटी की डिमांड करना, अपने भरण पोषण की बात करना, रोजगार की बात करना, ये सारी बातें बेमानी है। ऐसा लगता है कि आज हमारी सरकार हिटलर के उस फॉर्मूले को बिल्कुल सामने रख रही है देश के युवाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए। जरा सोचो, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग इस बात पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा आप लोगों से, इस हैशटैग के बाद और इस इनकलाब हैशटैग के बाद कमेंट में आप लोग इनकलाब जरूर कहेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज ये वक्त है, आज ये समय है, और इस समय में देश का युवा अगर नहीं जागा तो समझ लो कि जो तुम पाना चाहते हो, जो भविष्य तुम बनाना चाहते हो, वो अधर में जा सकता है। खड़े होइए मेरे साथ, हमारे साथ। सोचिए उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अपने मां बाप से थोड़े पैसे लेके एक शहर में जाता है, तैयारी करता है, आधी रोटियां खाता है, भूखे पेट सोता है, केवल इसलिए कि वो नौकरी अगर ले ले तो उसके और उसके पूरे परिवार का भविष्य जो है वो सुधर जाए। उसी की तरह उसके छोटे भाई का जीवन उस संघर्ष से ना गुजरे, उसके मां बाप जो संघर्ष करके जो शिक्षा उसको दी है, जो जमीन बेच के जो शिक्षा उसे दी जा रही है, वो जमीनें उन्हें वापस लौटा सके, वो अच्छी जिंदगी उनको बुढ़ापे में दे सके, इसके लिए वो दिन रात संघर्ष करता है। किसे शौक नहीं है कि वो अपने घर पे सुख चैन की जिंदगी जिए,
लेकिन जब एक देश का युवा संघर्ष करने के लिए सड़क पर निकलता है तो उसे मारा पीटा जाता है, उससे रोजगार छीन लिए जाते हैं, उसकी वैकेंसी ड्रॉप की जाती है, उसकी उम्र पार हो जाती है, यही सारे संघर्ष करते हुए। जो लड़कियां, जो छात्राएं देख रही है इस वीडियो को, सोचो आपको ऐसे गिन के 2 साल का वक्त दिया जाता है कि जाओ बेटा, अगर ये 2 साल में तुम्हारी नौकरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो वापस घर आ जाना, तुम्हारी शादी करा दूंगा। अब सोचो कि उसके पास ये केवल दो साल है, मान लीजिए 18 से 20 ये 3 साल, 17 से ही सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, आज 1 साल नहीं हुआ है, अब 4 सालों से सारा कुछ, चाहे आप एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, एसएससी के बारे में तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं बता दूं कि बैंक के एग्जाम में क्या हो रहा है, लगातार वैकेंसीज का ड्रॉप। सरकार को यह लगता है कि अगर कोई चीज हमसे ना संभल रही है तो उसमें कोई सुधार ना करे, एक कमिटी नहीं बनाए बल्कि उसको बेच दे। सरकार को एकमात्र सॉल्यूशन लगता है, बेच दीजिए। क्या मजाक बना के आपने रखा हुआ है सरकार, मैं आपसे पूछता हूं। और आप मीडिया चैनल्स वालों, लड़कियों को 2 साल का समय मिलता है, मैं इस बात पे आऊंगा, 2 साल का समय मिलता है, उसके पास 2 साल है जिंदगी में अपने आप को साबित करने के लिए, अगर वो ना कर सकी तो पूरे जीवन उसको शोषण सहना पड़ेगा, कौन आवाज उठाएगा? और ये मीडिया चैनल्स वाले शो चलाते हैं, पूछता है भारत, तो आज पूछता है भारत, क्यों नहीं तुम्हारी जुबान खुलती है, किसके दबाव में हो, कौन तुम्हें रोटियां खिला रहा है, किससे अंडर द टेबल पैसा ले रहे हो, आखिर क्यों तुम कुछ नहीं कहते, 2 मिनट भी कुछ नहीं कहते यार, एक ही मुद्दे पे लगातार बोलते हो, देश के युवाओं के नाम पे चैनल खड़ा कर लेते हो और देश के युवाओं के लिए ही बात रखने में शर्माते नहीं हो, डरते हो तुम, क्योंकि तुमने किसी और की रोटियां अंडर द टेबल खाई हुई है, इसलिए आज तुम्हें मीडिया चैनल्स ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश के युवाओं की आवाज को बुलंद करें या नहीं करें। बिहार में ही देख लो, एक वैकेंसी दरोगा का मेंस अभी हुआ नहीं, दूसरा दे दिया गया, ये लीजिए ये लालच, आज ये लालच आपको दी जाएगी चुनाव के चलते, कल छीन ली जाएगी आपसे, आपका शोषण किया जाएगा। 70 सालों से एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला गया है, क्यों? क्योंकि आप में ये सेंस ही ना डेवलप हो कि वोट किसे किया जाता है, आप भुखमरी के शिकार रहे और लोग आपको एक रोटी फेंक के आपको अपने पीछे दौड़ाते रहे, यही शायद सरकार की मंशा हो रही है क्या? अर्णब गोस्वामी हैशटैग करता हूं, आपको भी मैं हैशटैग करता हूं। एक वो दिन था जब बैंक और एसएससी की, रेलवे की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे और तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे आपके डिबेट शो को देखा करते थे, कहां गया आपका स्वाभिमान? पूछता है भारत, कहां गया आपका स्वाभिमान? 2 दिनों का वक्त चला रहा हूं, आप मीडिया चैनल पे ये चला के दिखाइए, एजुकेशन के ऊपर, वैकेंसीज के ऊपर, युवाओं के शोषण के ऊपर आप डिबेट चला के देखिए, लगातार 2 दिन अपने स्वाभिमान को जगाइए कि कल तक मैं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए वैसे स्टूडेंट्स को देखा करता था जो आज केवल पार्टी के रूप में काम किया करती थी, आप कह सकते हो तो आईटी सेल के रूप में काम किया करती थी, लेकिन आज वही स्टूडेंट, आज वही लड़का, आप देख लो चारों तरफ फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, चारों तरफ बात हो रही है रोजगार को। धन्य करता हूं, श्रम करता हूं ऐसे स्टूडेंट्स को जो आप नहीं समझे थे अभी तक, लेकिन आप तो समझे। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये जुनून, ये जज्बा, ये जोश बस ये आज और कल के लिए नहीं, ये हमारे फ्यूचर के लिए होगा। आप जब भी किसी दूसरे के बारे में वोट दिलवाने के लिए सोचोगे कि ये बंदा अच्छा काम करेगा, तो उसके पहले ये भी सोचोगे कि क्या ये बंदा सच में काम करेगा या हमारे पास केवल मन की बात करेगा। ए नरेंद्र मोदी जी, आप
लड़कों के भविष्य को खराब मत कीजिए, मत कीजिए। आपने भी देखा डेढ़ दो साल हो चुके हैं आपके रेलवे के एग्जाम्स को लेकर आपने पैसे भरवा लिया। भाई ठीक है, आपने बोला कि भाई पैसे लौटाऊंगा मैं, लेकिन लौटाऊंगा लौटाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई अभी भी कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजी रोटी चाहिए, मेरे बाप का होप चाहिए, मेरे हस्बैंड का होप चाहिए, जिसके वजह उन्होंने मुझे इतना खून पसीना कमाई हुई बहुत पैसे का, बहुत बड़ा पैसा मेरे पे इन्वेस्ट कर दिया। भाई बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। आपने देखा ये सवाल आज चल रहा भाई रेलवे के लिए, ये सवाल चल रहा है एसएससी के लिए, ये सवाल चल रहा बैंकिंग के लिए। लेकिन एक बात और बताओ मेरे दोस्त, क्या बिहार का जरूरत नहीं है? क्या बिहार एसएससी की जरूरत नहीं है? ये बातें केवल नरेंद्र मोदी से क्यों, ये बातें हमारे नीतीश कुमार से भी पहुंचना चाहिए, नीतीश कुमार के पास भी पहुंचना चाहिए। हर बार इलेक्शन के टाइम आप हम लोग को एक साझा देके जाते हैं, झांसा देके जाते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। लड़का खुश हो गया, प्रचार आपका बहुत किया, आप बहुत बड़े बहुमत वोट से जीत गए, लेकिन क्या उसका फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? सबने देखा ना रेलवे कंप्लीट हुआ, इवन 2017 का कंप्लीट हुआ अच्छे से, 2018 का कोई बात नहीं हो रहा है। बैंकिंग में आ जाओ आप, ऊपर से नीचे तक वैकेंसी घटते घटते ठीक 1/10 पार्ट हो चुका है। आप क्या युवाओं को समझ रखे भाई साहब, क्यों क्या युवाओं को समझ रखे? आप कहते हैं ठीक है कोरोना काल है, प्रॉब्लम है सबको, तो क्या ये कोरोना काल के समय आपको ये सब दिखाने का मौका मिल रहा? क्या कोरोना से पहले हमारे पास लड़के रोजगार में नहीं थे? क्या बेरोजगार नहीं थे? आप समझो मेरी बात को। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके झांसे में ना आए, इनके सवाल पूछिए, ये नहीं कि किसी मीडिया किसी डिबेट का पार्ट का हिस्सा बने और उसके छोटे छोटे क्लिप्स को आप शेयर करें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एकदम करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात ध्यान देना होगा, आज से एक सबक लेना होगा, आज से एक कसम खाना होगा कि अगला बार जब हम किसी के बारे में प्रचार करेंगे, भाई मेरे धर्म का प्रचार करना बहुत बात है, लेकिन अंधभक्त होकर एक धर्म को प्रचार करना एक बहुत गलत बात है। हमारे देश में धर्म केवल धर्म। भाई धर्म क्यों? एक जानवर अगर कुछ नहीं खाएगा तो जुगाली तक नहीं कर पाएगा, तो हम जैसे बेरोजगार छात्र क्या करेंगे? मैं बताता हूं क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे। क्या करेंगे? तो भाई एक जगह जाकर किसी क्राइम के साथ जुड़ेंगे। क्या करेंगे? चोरी जीना जब्ती करेंगे। क्या करेंगे? गुंडाई करेंगे। हमारी बच्चियों हमारी लड़कियों को क्या करेंगे? तो भाई इतना होप के अनुसार पूरे जोश के अनुसार जो पढ़ रखी है वो किसी घर में जाकर खाना बनाने तक सीमित रह जाएगी। क्या यही हमारा युवा का काम है? क्या यही हमारे युवतियों का काम है? नहीं, ये युवतियों का काम नहीं है, युवकों का काम नहीं है। हमारा काम भारत देश को पूरे विश्व में आगे ले जाना है। पूरे विश्व में धर्म गुरु तो बनेंगे, लेकिन पूरे विश्व में हम लोग आगे बढ़ना है। अब पूरा विश्व जानता है कि भारत जैसा टैलेंटेड देश पूरे विश्व में नहीं है, और ये मानता है। इसलिए आपने देखा होगा, अभी भी आप देख रहे हो कितने बच्चे हमारे पास जाकर दूसरे देशों में काम करते हैं। भाई क्यों काम करते हैं? हमारा टैलेंट यहां पे क्यों नहीं है? तो आपको समझना होगा भाई। ये ट्विटर पे जो कैंपेन चल रहा है इसको आपको सपोर्ट करना होगा, और ये नहीं कि भाई जिनके पास ट्विटर नहीं है वो ट्विटर अभी इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद वो भाई एसएससी कैंपेन ये रेलवे कैंपेन में हिस्सा लेंगे, और हिस्सा लेने के बाद इसको यहीं तक खत्म नहीं करेंगे। हमेशा अपने माइंड में दिमाग में एक बैठा कर रखेंगे कि हम लोग को क्या करना है। अगला बार किसी को भी वोट देने से पहले हम लोग को सोचना है, किसी को भी प्रचार देने से पहले सोचना है। नरेंद्र मोदी जी, आपने पूरे विश्व में एक नया परचम फहराया, बहुत अच्छी बात है। धर्म के नाम पे भी सबको खुश रखा, बहुत अच्छी बात है। क्या लेकिन यही रह गया भारत देश का? क्या बेरोजगार घूमते रहेगा? आज खाने के लिए भी दिक्कत
बरकत हो जाएगा। नहीं, आपने देखा। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं अभी 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत सारी बच्चियों का जब मैं स्टेटस देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि भाई ये डिजर्विंग कैंडिडेट थी, लेकिन आज एक बनकर क्या रह गई है, आज एक बनकर हाउस वाइफ रह गई है। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? सिर्फ आप है, सिर्फ आप है और कोई नहीं है। आपको समझना होगा एक बात को। कल मेरे पास एक मैसेज आता है कि सर क्या होगा हम लोग का अगर छोटा सा जॉब कहीं पर मिल जाता है तो मुझे दिलवा दीजिए। हाउ वो डिजर्विंग कैंडिडेट, उसके पास एक्सट्रीम टैलेंट है, आज वो छोटे से जॉब के लिए, छोटी सी नौकरी के लिए, किसी के पास काम करने के लिए एक छोटा सा उसको भाई अपना हिम्मत को हार कर ये सब सोचने पे मजबूर कराने वाला कौन? तो सिर्फ आप, सिर्फ आप, सिर्फ आप और कोई नहीं। तो आपको भाइयों बंधो, आपको ये समझना होगा। देखिए, गाली देना किस कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं है। मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में पूरा गाली भरा हुआ है। नहीं भाई मेरे दोस्त, गाली नहीं देना है, सरकार से सवाल करना है, सरकार से सवाल करना है। और हां, नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं कि क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, तो आप करो। जब वो गलती है तो आपको करना होगा, आपको करना होगा। और इस मुहिम को बस ये नहीं कि आज कल से जो मुहिम स्टार्ट हुआ है बस यही तक रहकर लिमिट हो जाना है। फिर जब इलेक्शन आएगा तो फिर हम लोग को गलत गलत काम करना है, एक गलत वादे के झोंस में पड़ जाना है। ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। आप युवा हो, आप समझदार हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए ये आपको बखूबी पता है, बखूबी पता है। तो इस चीज को आपको हिलाना होगा, हिलाना होगा और आपको एक नया क्रांतिकारी पैदा करना होगा, नया क्रांति पैदा करना होगा। और ये ऐसा क्रांति कि बाद में चलकर किसी भी टीचर को पढ़ाना छोड़कर आपके साथ लाइन में आकर ये सब बातें नहीं करनी पड़े। सरकार को पहले ही दिमाग में चला जाए कि भाई मैं गलती कर रहा हूं तो इसको सुधारू मैं, इसको सुधारू मैं। बस देश का युवा रोजगार की डिमांड करता है तो आप उसे किसी और मुद्दे में उलझा देते हैं। आप ये कहते हैं कि सुनो देश का युवा, आज मंदिर बनाओ, कल कश्मीर निपटाओ, परसों चाइना निपटाओ, उसके अगले दिन पाकिस्तान निपटाओ। बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा। ये जो भाइयों बहनों जो आप कहते हैं, इस भाइयों बहनों की तान पे आपने हर तरह की बात की। अच्छा है, मंदिर मस्जिद बनेंगे, हर चीज होगा, प्रतिमाएं भी बनेगी, पाकिस्तान को भी मारेंगे और चाइना को भी मारेंगे, लेकिन जब देश के युवाओं की पेट ही नहीं भरी होगी, भूखे मर जाएंगे, तो कौन इस देश की सीमा पे जाके युद्ध करेगा? कौन करेगा युद्ध? आपसे पूछता हूं मैं और सारे मीडिया वालों से पूछता हूं, आप ही का टैगलाइन पूछता है भारत, आज मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये क्या है? इनकलाब का नारा है, इनकलाब का नारा है, याद रखना। और सारे कमेंट में इनकलाब और देश के युवाओं के लिए डिमांड करेंगे सरकार से, रोजगार तो देना पड़ेगा, वैकेंसीज जो आपने लटकाई है उसे रोकना पड़ेगा, वैकेंसीज को सामने लाना पड़ेगा सरकार, करना पड़ेगा, वैकेंसीज लानी पड़ेगी। जिन रिजल्ट्स को आपने सालों से रोक के रखा है वो भी आपको देने पड़ेंगे बहुत जल्दी, कोरोना के नाम पे। कोरोना है, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी एक साल पहले आपने क्या किया था, क्या किया था? आज कोरोना के नाम पे आप देश की जनता को कितने दिन तक बेवकूफ बनाओगे, कितने दिन तक बेवकूफ बनाओगे आप? अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी वीर, मेरे जितने भी सावसीपूर्ण जो युवा देश के देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, ये इनकलाब है, ये इनकलाब है। और मैं कह दूं, मैं आपको बता दूं कि आज कोई हैशटैग भले 2 दिन तक चले, लेकिन हमारा हैशटैग इनकलाब का हैशटैग ये 2 दिन नहीं, ये तब तक चलेगा मीडिया वालों और हमारी सरकार।
ये तब तक इनकलाब हैशटैग चलेगा, इसी बिहार की धरती से दूसरी बार इनकलाब तब तक चलेगा जब तक आप युवाओं का शोषण करना छोड़ नहीं देते। और मैं बता दूं, अभी तो एक सबसे बड़ा काम करना है ये मीडिया चैनल्स वाले। आइए आइए आज मैं आपकी बात करता हूं। आप मीडिया चैनल्स वाले एक चलाते हैं पूछता है भारत और एक चलाते हैं सुसाइड है वो है ये चलाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इससे युवाओं का पेट भरेगा? पूरे 2400 घंटे एक ही मुद्दे को चलाते रहते हो। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मेरे सारे शौर्यवीर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ललकार भरो इनकलाब जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं कि सारे मीडिया चैनल्स वाले दो मिनट क्यों नहीं बात करते छात्रों की? दो मिनट तो बात कर लो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दो मिनट तो बात कर लो देश के युवाओं के बारे में, क्यों नहीं बात करते मेरे भाई? पूछता है भारत आज तुमसे, आज मीडिया चैनल वालों से पूछता है, दो मिनट क्यों नहीं बात करते भाई देश के युवाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों से कहता हूं कि भले आज मीडिया हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है कि ये चीजें जनता की बातें, युवा की बातें सरकार तक नहीं पहुंचे, लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इतना शेयर कीजिए कि लाख मीडिया चैनल्स वाले चाहे या लाख सरकार चाहे, हमारी आवाज को दबा ना सके। कौन चलाए भारत? रिक्वेस्ट करता हूं चलाओ बच्चों की खबर। भाई हमने तुम्हें सहयोग किया है, हमारे माता पिता तुम्हारी टीवी चैनल खोलकर देखते हैं, हमारे माता पिता देखते हैं। कौन चलाएगा? ये बिहार की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। हम बिहार की धरती से बोल रहे हैं, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, ये हमारे राष्ट्रपति हरिचंद प्रसाद की धरती है। कौन चुनेगा? हाथ जोड़कर निंदा सुना सरकार।